स्टूडेंट्स आए हैं आज कैलकुलस का क्लास लेके। अब रेगुलर वीडियो मिलेगा कैलकुलस का। ये 44 मार्क्स का है ना। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है कैलकुलस का। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, तो कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं सो बता दे रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं, लिमिट पढ़ा चुके हैं, उस सभी का डेरिवेटिव पढ़ा चुके हैं, सभी का फॉर्मूला याद कर ले। सभी का फॉर्मूला मस्ट है, याद रहेगा तभी कैलकुलस पढ़ने में मजा आएगा और समझने में भी। इसलिए फॉर्मूला याद रहे तो कैलकुलस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ समझने के लिए। जो पढ़ता है उसके लिए इजी है कैलकुलस, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए तो कोई भी चीज कठिन है। इसलिए मेरा कहना भी है, आप लोग का कहना जैसे रहता है कि कभी मेरे पास MB नहीं है तो मोबाइल नहीं है, है ना। जो स्थिति है ठीक है, उसी में प्रयास कीजिए पढ़ने का। इसलिए मेरा कहना भी है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल, हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये बात समझ लीजिएगा। देखिए कैलकुलस का क्लास एक्सरसाइज 9.1 केसी सिन्हा का पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, और ये 4 मार्क्स का आता है ठीक है। ये अभी बाद में बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और एक वीडियो में कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद सारा एक्सरसाइज आप लोग बना सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, और समय उस तरह का है इसलिए कुछ कम ही मिल रहा है ना। डिफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो है सो लिमिट का ही रूप है। कंटिन्यूटी लिमिट जो 11th क्लास में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं उसी का रूप है ये कंटिन्यूटी, मिलता जुलता है। आइए देखते हैं क्या है। कहता है फंक्शन fx इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ। कहता है कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, तो कंटिन्यूटी में दो चीज होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में कहता है अगर कोई फंक्शन रहे तो उसको हम सेट भी कंटिन्यूअस कहेंगे। कब, यदि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, इसको पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये एफ ए, ये सीधा है, यानी ये माइनस जो है इससे इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट, और ये जो है सो। तो अगर तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। और कंटिन्यूअस का देखिए लगातार ग्राफ गया है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट जो खेलता है तो उन लोग बोलता है कि नहीं, हम जो एक बॉलर बराबर लगातार करता है 3-4 बॉलर जो बॉलिंग करता है 3-4 ओवर, तो करते समय बोलता है ओवर द विकेट कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब लगातार, वो लगातार करेगा। उसी तरह देखिए ये है लगातार हो रहा है पूरा। इसी का विपरीत है डिसकंटिन्यूअस। इसमें देखिए, इसमें तीनों का वैल्यू में से कोई दो को एक वैल्यू बराबर नहीं होगा। हो सके तीनों का वैल्यू ये दो दो आ गया, उसका 3 आ गया, तो मतलब तीनों में से कोई एक वैल्यू नहीं मिला, तो समझ जाइए डिसकंटिन्यूअस। और अगर पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे और पहले ही नहीं निकला वैल्यू सेम, दोनों अलग अलग हो गया, तो तीसरा निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चूंकि डिसकंटिन्यूअस पहले हो गया है तो फिर क्यों निकालेंगे। आप देखिए आगे, ये तो हो गया कि सबका वैल्यू, बोलेगा कि सर ये ए क्या है, एक जगह कुछ पॉइंट दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चीज रहेगा उसी को यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लिए,
एक्सरसाइज 9.1 का 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अभी और सारा कॉन्सेप्ट भी बताना बाकी है, जो 11 क्लास का सारा फॉर्मूला लिखा देंगे, ठीक है, कौन कौन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो लिखा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए और पीछे जो है से रिवाइज कीजिए सारा। अब हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे टेस्ट के रूप में, असाइनमेंट भी देंगे और टेस्ट के रूप में क्वेश्चन भी देंगे। आइए अगले वीडियो में सारा दे देंगे टेस्ट और असाइनमेंट दे देंगे सभी चैप्टर जितना पढ़ा चुके हैं अभी तक। एफ एक्स इक्वल टू ये क्वेश्चन दिया है, आप जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। कहता है क्वेश्चन बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन, देखिए यहाँ वन रहेगा तो वन लेंगे, फाइव रहेगा फाइव लेंगे, सिक्स रहेगा सिक्स लेंगे, माइनस में लेते हैं लेफ्ट हैंड में, फिर एफ एक्स। ये चीज याद रखिएगा, ये जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे लिमिट तो एक बार हम लेते थे कि लेट करते थे x प्लस वन इक्वल टू एच, फिर वहां से h का वैल्यू निकालते थे तो इस तरह के आता था। इसलिए ये स्टेप याद रखिएगा, बहुत कोई तो डायरेक्ट बैठा देता है लेकिन ये स्टेप याद रखिएगा, इस तरह भी बनता है शॉर्ट से भी बनता है लेकिन ये अच्छा रहता है। लिमिट x टेंस टू जीरो मतलब यहाँ x रहता है यहाँ h हो जाता है, अभी हमेशा होता है सभी कंडीशन में, टोटल क्वेश्चन में ये होगा। ये कैसे होता है, फर्स्ट ईयर में जब हम लेट करके पढ़ाते थे उसी की वजह से ये लाते हैं, याद कीजिएगा लिमिट पढ़ाए तो सब। आप देखिए वन माइनस एच, यहाँ वन रहेगा तो वन माइनस एच, टू रहेगा टू माइनस एच, ये माइनस है तो माइनस, और एक बार जब राइट हैंड लिमिट पढ़ाएंगे या प्लस रहेगा तो प्लस, तो माइनस होगी। अब इस एफ एक्स को उठा के बैठाते कहाँ, जहां एक्स, जहां एक्स है वहां इस टप्पा को बैठाइए, टू है तो टू दे दिए, इसको उठा के एक्स के जगह बैठा दिए, थ्री है तो थ्री दे दिए। एकदम ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चन में, इसको उठा के यहाँ बैठा देना। आप क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पढ़ते हैं, ऐसे भी लिमिट पढ़ा दिए हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एच के जगह हम जीरो बैठा दिए, पुट कर दिए लिमिट, बहुत कोई लिखता है अप्लाइंग लिमिट, नहीं भी लिख सकते, लिमिट पुट कर दिए, तो दो के दो और तीन हो गया पांच। लिमिट कब पुट किया जाता है, जब जीरो बाय जीरो फॉर्म में नहीं रहना चाहिए तभी लिमिट पुट करेंगे, नहीं तो लिमिट पुट नहीं होता है। आइए अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, उसी तरह एकदम सेम, बहुत इजी है। लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, फिर वन प्लस एच, यहाँ एक्स रहता है यहाँ एच हो जाता है, फिर एच चलते रहेगा, अब जहां एच है वहां जीरो बैठा दिए तो लिमिट हट जाता है जब बैठा दिए तो दो और तीन पांच हो गया, तो ये फाइव हो गया, ये भी फाइव हो गया, आप दोनों निकल गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आप सीधा डायरेक्ट बैठाते हैं, एक जगह वैल्यू कितना था हम लोग का वन, देखिए वन ले ली, और कहाँ बैठाएंगे यहीं पर, एक बार माइनस वाला बैठाएं, एक बार प्लस वाला बैठाएं, और एक बार डायरेक्ट बैठाएंगे जहां एक से, देखिए देखिए वन बैठा दिए थ्री फिर, तो तीनों का वैल्यू बराबर आ गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ वन इक्वल टू, सभी बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे जो कि सभी बराबर है, हैंस अतः एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर हो, तब आपको मिलेगा चार नंबर। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है एक्सरसाइज, अब मात्र इसमें 30 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। देखिए कुछ ग्राफ है जो आगे चैप्टर में जाके फिर ग्राफ पढ़ना, मॉडलस का ग्राफ, ये पहले भी हम पढ़ा चुके फर्स्ट ईयर में, यानी मॉडलस का ग्राफ क्या होता है कि मोड के अंदर माइनस प्लस छिपा रहता है, तो बोलता है जीरो बैठाएंगे तो जीरो, एक्स में वन बैठाएंगे तो वन, और माइनस वन मतलब माइनस वन भी मोड के अंदर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ग्राफ भी बना दीजिए वन लिए तो वन, माइनस भी वन लिए तो वन, तो कोई भी पूछेगा मोड का ग्राफ, बोलना मोड का ग्राफ भी आकार होता है भी शेप है ना, और एफ एक्स को वाई बोलते हैं, ये अभी काम नहीं है आगे है, आगे फिर बताएंगे, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का भी ग्राफ था लेकिन आगे एक चैप्टर एरिया बॉन्डेड में हम लोग को पढ़ना है इसलिए उसी समय बताएंगे, समय भी लॉस ज्यादा नहीं करना है इसलिए है ना, इसलिए पढ़िए इसका नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ दे देंगे,
बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा 2 मिनट।